आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वंदनीय विद्वद्गण, आर्य वीरों तथा आर्य वीरांगनाओं, मैं श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल चोटीपुरा की छात्रा सुकीर्ति आर्या आपके सामने आर्य वीरांगनाओं का दायित्व तथा कन्याएं कैसे करें आत्मरक्षा इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूं। आशा है आप मेरे विचारों को उदारता पूर्वक सुनकर मेरा उत्साह वर्धन करेंगे। नारी एक महान शक्ति है, समाज के उत्थान तथा राष्ट्र के कल्याण में उसकी अहम भूमिका है, किंतु वर्तमान युग में वह एक समस्या बनी हुई है। जब तक नारी यथार्थ रूप से विदुषी तथा वीरांगना नहीं बनेगी, तब तक समाज व राष्ट्र अपने पुरातन उज्जवल गौरव को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई राष्ट्र तभी प्रगतिशील कहा जा सकता है जब वहाँ की नारी शिक्षित व सबल होती है। राष्ट्र की वास्तविक जागृति तभी संभव है जब कन्याएं प्रारंभ से ही जीवनोपयोगी सुशिक्षा के द्वारा सुसंस्कृत होकर प्रारंभ से ही विदुषी व वीरांगनाएं बने। वस्तुतः सबल राष्ट्र का निर्माण विदुषी व क्षत्राणी नारियों पर ही आश्रित है। आर्य कन्याएं किसी भी क्षेत्र में अपने आप को निर्बल न समझे, क्योंकि शौर्य आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं। क्या आप नहीं जानते कितनी ही वीरांगनाओं ने अतीत तथा वर्तमान युग में यह सिद्ध कर दिखाया है? राजपूत युग में पद्मिनी, दुर्गावती तथा महारानी लक्ष्मीबाई ने इतिहास में ऐसे ऐसे कार्य किए जिन्हें देखकर लोगों को आश्चर्य होता है, क्या नारी जाते भी ऐसे कार्य कर सकती है? महारानी लक्ष्मीबाई के लिए वीरस की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने कितना सुंदर कहा है, हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी दुर्गावती रण क्षेत्र में अपने पुत्र की वीर गति का समाचार पाकर भी विचलित नहीं हुई, बल्कि पुत्र से स्वर्ग में मिलने का ही वादा करके अविरत युद्ध करती रही। उसी दुर्गावती के लिए कवि ने कहा, जब दुर्गावती रण में निकली हाथों में थी तलवारें दो। अधिक क्या, अल्पायु में भी भारत की आर्य वीरांगनाओं ने देश के हित के लिए अपने राजसी सुखों तक का त्याग किया है। महाराणा प्रताप की राष्ट्रभक्त पुत्री चंपा ने जंगलों में दर दर भटकते हुए घास की रोटी खाकर अपने तथा देश के स्वाभिमान की रक्षा हेतु कठोर तप किया। राष्ट्रीय तथा सामाजिक क्षेत्र में भी भारतीय नारियां कभी किसी से पीछे नहीं रही। दिल्ली के राष्ट्रीय इतिहास में अमर शहीद स्वामी सत्यानंद जी की दोहित्री देवी सत्यवती को कौन नहीं जानता, जिसके भाषणों की वाणी में बिजली सी गरजती थी। ऐसी ही वीर माताओं, क्षत्राणी पत्नियों, बहादुर बहनों, निर्भीक व निडर बहनों की वीर गाथाओं से इतिहास भरा पड़ा है। आर्य समाज के कवि रत्न प्रकाश चंद्र के शब्दों में, यहाँ देवियों ने स्वदेश हित तज कर ममता माया, निज पतियों प्यारे पुत्रों को रण की ओर पठाया, जीवन की स्वर्णिम घड़ियों का मोह नमन में आया, ज्वलित चिता में भस्म सात की अपनी कोमल काया। हमारे गौरवमय इतिहास में आर्य बालाओं तथा आर्य वीरांगनाओं ने तन मन धन से अपने दायित्व को समझा है तथा उसे निभाया भी है। आज हम पुनः अपने अतीत को वर्तमान करने के लिए कटिबद्ध हों। कवि की वाणी में सुनिए, अपने अतीत को हम अब वर्तमान कर दें, हम फिर दया से जग में आनंद जान भर दें। यही समय की पुकार है, यही भारत माता की गुहार है, हम सच्ची वीरांगना बनकर ही अपनी प्यारी भारत माता को चहु और छाए हुए घोर संकट से बचा सकती हैं। महर्षि देव दयानंद ने तथा आर्य समाज ने नारी जाति के खोए हुए गौरव को पुनः लौटाने के लिए गुरुकुल आदि शिक्षण संस्थाओं तथा आर्य वीर दल के द्वारा जो भगीरथ प्रयत्न किया है, उसकी सब मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। हम चाहते हैं विश्व में भारतीय नारियां आर्य वीरांगना के रूप में प्रतिष्ठित हों, जो सेवा, मृदुता तथा दया की साक्षात दिव्य विभूतियां हों, पर साथ ही सत्व पर वार करने वाले आतताइयों तथा अत्याचारियों के लिए विष से बुझी हुई पैनी कटारियां हों, वे शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हों, बल के क्षेत्र में सबला हों, ब्रह्म व क्षत्र का समन्वय करने वाली हों। किंतु वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता, क्या ये वही भारत देश है? ये वही भारतीय नारी है? एक और विलास की अग्नि में नारी जाति अग्रसर हो रही है, दूसरी ओर अन्याय और अत्याचार की भट्टी धधक रही है। नारी की मान मर्यादा मिट्टी में मिल चुकी है। रामायण काल के एक रावण के स्थान पर तथा महाभारत काल के एक दुशासन के स्थान पर आज सहस्रों रावण तथा दुशासन खुलकर खेल रहे हैं। समाज नारी जाति की रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ सिद्ध हो रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि नारी अबला के स्थान पर सबला बने तथा सबला से भी प्रबला बने। जब
चपला तथा चंचला के स्थान पर चंडी बने, दीन और कायर के स्थान पर क्षत्राणी बने, उसकी भुजलता के स्थान पर बाहुदंड हो, उसकी आंखों में, उसकी दृष्टि में प्रणय के स्थान पर तेजस्विता हो, अग्नि हो, जिसे देखकर दुराचारी भयभीत हो उठे, उसका शरीर, उसकी आत्मा अपनी रक्षा करने में स्वयं समर्थ हो, उसका शील व चरित्र इतना उन्नत, इतना उदात्त व इतना प्रखर हो कि जिसे देखकर दुराचारी भयभीत हो उठे तथा कोई उस पर उंगली न उठा सके। आज फैशन की तितलियों की आवश्यकता नहीं, आज दहेज की समस्या पर अग्नि में जल जाने वालियों की भी आवश्यकता नहीं, आज संघर्ष का युग है, सम्मान का प्रश्न है, नारी जाति का सम्मान दांव पर लगा हुआ है, हमें शासन तथा समाज को विवश कर देना चाहिए, हमें वीरांगना बनकर अपनी रक्षा का प्रश्न स्वयं सुलझाना होगा, दुनिया शक्ति के सामने झुकती है, हमें शक्ति पुत्री बनना है, हिंदी सत्याग्रह में लगाया जाने वाला वह नारा हमें फिर दोहराना होगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आर्य वीरांगनाओं को अपने वैदिक स्वरूप का भी भान होना चाहिए, वेद की नारी कहती है अहम केतु रहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचनी, अर्थात मैं राष्ट्र की ध्वजा हूँ, मैं तेजस्विनी हूँ, उग्र हूँ, मेरी वाणी में बल है, मैं समाज का सिर हूँ। वेद के इसी संदेश तथा आदेश का पालन करना प्रत्येक आर्य वीरांगना का कर्तव्य है तथा कन्याओं की आत्मरक्षा का भी यही एकमात्र उचित उपाय है। आज इसी पर विचार करने के लिए हमने महिला सम्मेलन भी मनाया, पर इन सम्मेलनों से क्या होता है, दो चार आते हैं और बोलकर चले जाते हैं, पर हम अगर इसको अपने संकल्प धारण करें तो आज हम उस अतीत रूप को वर्तमान कर भी दिखा सकती हैं। आज इस मंच से मैं अपनी आर्य बहनों को यही संदेश देना चाहूंगी, ए राष्ट्र की नारी, तू वीरता की तरंगों से अपने हृदय को तरंगित कर, तू वीरांगना बन, तुझ में वीरता का संचार होने से सारे समाज में वीरता का संचार होगा, राष्ट्र में वीरता का जागरण होगा। हे आर्य वीरांगना, तेरे मन में वीरों का संकल्प हो, तेरी बुद्धि में संतुलित विवेक हो, तेरी आत्मा में विजय का लक्ष्य हो, तेरी भुजाओं में अतुलित शौर्य हो, तेरी वाणी में बिजली का निर्घोष हो, तेरे होठों पर वंदे मातरम का गीत हो, परास्त कर दे सब विघ्न बाधाओं को, जागृत कर अपने मनोबल को, विजय पा मदांधता क्रूरता तथा बर्बरता पर, साध्य बना दे बड़े से बड़े असाध्य कर्मों को, प्रमाणित कर दे तू वैदिक वीरांगना है तथा राष्ट्रयज की ब्रह्मा है। अंत में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में यही कहना चाहूंगी, क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षिता हो नारियां, रण रंग राज्य सुधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियां, देखो नरों से नारियां किस बात में है कम हुई, मध्यस्थ वे शास्त्रार्थ में है भारती के सम हुई, मध्यस्थ वे शास्त्रार्थ में है भारती के सम हुई।